तो हमने बेटा मैकेनिज्म करना था, आई हैव टोल्ड यू माइटोसिस। ये सबसे पहले एक और पॉइंट लिख लेना, माइटोसिस इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय फ्लेमिंग इन प्लांट्स। In animals, it was observed by Strasburger. So, माइटोसिस जो है इन्होंने ऑब्जर्व की थी। माइटोसिस अगेन, फेजेस क्या है माइटोसिस के? दो फेजेस है, साइटोकाइनेसिस एंड आई एम सॉरी, पहला जो है फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस, आई एम सॉरी, फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस। जोरावर कैरियन क्या होता है बेटा? यस जोरावर, व्हाट इज कैरियन? किरियान केरॉन, केरॉन इज न्यूक्लियस, बिल्कुल ठीक है। सो काइनेसिस मींस डिवीजन, सो कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, राइट? देन पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ माइटोसिस, टू इंक्रीज नंबर ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। अनदर इज टू रिपेयर इंजर्ड टिश्यूज। टू रिप्लेस डेड सेल्स एज इन स्किन, टू रिप्लेस डेड सेल्स। और यहां पे क्या है? नंबर ऑफ डॉटर सेल्स कितने बनते हैं? टू यस, सो वन पेरेंट सेल फॉर्म्स टू डॉटर सेल्स। जी नंबर ऑफ माइटोसिस टू फॉर्म स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेल्स। स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेल्स मतलब एक्स फ्रॉम वन पेरेंट सेल। इज एक्स टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 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 द पावर वेयर एन इज नंबर ऑफ माइटोसिस।
एक्सेस टोटल नंबर ऑफ सेल्स टू बी फाउंड. उसके बाद एक और फॉर्मूला आ जाता है x is equal to a into 2 to the power of x to final number of cells. A है initial number of parent cells. N है number of माइटोसिस. अगर हम बात करें क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आ जाए, इफ अ बैक्टीरियल कल्चर हैज 5 × 10⁵ नंबर ऑफ सेल्स एंड a bacteria divides every 20 minutes. How many total bacterial cells will be present after 80 minutes in the culture. चलिए जी जल्दी से, ये मैंने आपको सारा फॉर्मूला बता दिया कर दिया, जल्दी से मुझे बताइए कि क्या है इस क्वेश्चन का. मैंने कौन सा आपको बताया था, आंसर क्या है? x is equal to a into 2 to the power x. यहां पे जो है x हमने निकालना है, a कितना है 5 × 10⁵. नंबर ऑफ डिविजन्स, वन डिविजन कितने में होती है 20 मिनट्स में, यहां पे है 80 मिनट्स. 20 हम क्या कहेंगे 20 + 20 + 20 + 20 20, 40, 60 और 80 मिनट्स, राइट. तो 80 मिनट्स में कितनी डिवीजन हुई, 1, 2, 3, 4. सो n कितना है, n इज इक्वल टू 4. सो x इज इक्वल टू 5 × 10⁵ × 2⁴. X is equal to 5 × 10⁵ × 2⁴ × 8⁴. So X is equal to 16 × 5 = 80. 80 × 10⁵. This is the answer. Okay, everybody? Yes. तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा कैरियोकाइनेसिस. पहले ध्यान से सुनना है फिर लिखो बेटे. 4 फेजेस प्रोफेज मेटाफेज anaphase telophase. ये जो सेल है ये दोबारा से भी बेटा आप बना सकते हो, लास्ट टाइम बनाया था, बट अगेन यू कैन
This is, you know, this is chromatin. And each one has, अभी आपको कुछ clear नहीं है, but each one has two sister chromatids. और यहाँ पे two pairs है centrioles. ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, this is nucleus, तो यहाँ पे each chromosome जब कंडेंस होगा तब पता चलेगा. ये तो मैं बता रही हूँ कि ये है. This is one chromosome with two sister chromatids. Each chromatid, बच्चों को बहुत ज्यादा confusion होती है. Each chromatid has one chromatin. Chromatin किससे बना है? Long DNA associated with histone protein. ठीक है, the sister chromatids are not distinct in interphase nucleus. ये interphase nucleus है, cell after interphase. Before prophase. ठीक है जी, तो इंटरफेज और प्रोफेज में जो स्टेज है वो ऐसी नजर आ रही है, राइट, जहां पे क्रोमेटिन क्रोमेटिड्स जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट. सो दिस इज पेरेंट सेल, यू कैन सी. ठीक है जी, उसके बाद पहले ध्यान से, पहले हम प्रोफेज की बात करें. ठीक है, प्रोफेज में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप क्या है, ये हम सिर्फ प्रोफेज की बात कर रहे हैं, बाकी किसी की नहीं. कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन बाय कॉइलिंग. हम जैसे बहुत लंबे लंबे धागे होते हैं वो सब उलझे हुए हैं, वो ये है, यहाँ पे उलझे हुए हैं. अब हमने हर एक को अलग करना है तो हम उसका एक बॉल बनाना शुरू कर दें, राइट. इसी तरह से क्या हो रहा है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन बाय कॉइलिंग, दस कॉजिंग देयर अनटैंगलिंग. टेंगल्ड मतलब एक दूसरे से उलझे हुए हैं. जैसे जैसे कॉइलिंग शुरू होगी वो एक दूसरे से अलग होने शुरू हो जाएंगे, दस कॉजिंग देयर अनटेंगलिंग. ठीक है, उसके बाद व्हाट इज दिस, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स है, बट दिस पेयर pair of centrioles, और जिसको हम और क्या बोल देते हैं, सेंट्रोसोम. हां जी विभू,
दिख रहा है आपको? यस मैम। हाँ जी, ये अब पेरेंट सेल में जब इंटरफेस में नहीं था तो वन पेयर ही होता है, आफ्टर इंटरफेस में ये सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हो गए, ठीक है, किसमें? एनिमल सेल्स में। प्लांट सेल्स में नहीं, क्योंकि प्लांट सेल्स में सेंट्रोसोम होते ही नहीं है। इन एनिमल सेल्स द सेंट्रोसोम विच गेट डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग S phase interphase start separating and move towards opposite poles of cell. ये maybe मतलब ये यहीं पे रह गया, but ये जो है opposite pole की तरफ move करना शुरू कर दिया, ठीक है? तो इस तरह से ये pairs of centrioles दोनों opposite poles की तरफ आ जाते हैं, और यहाँ पे आपने start करके लिखना है. In plants, centrioles are absent. ठीक है जी, चलिए पहले आप ये लिखो फिर हम आगे करते हैं. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा थर्ड पॉइंट आ जाता है अगेन इन एनिमल सेल्स मैंने क्या बताया ये सेल है ये न्यूक्लियस है ये सेंट्रियोल्स का पेयर ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच गए ये क्रोमोसोम्स है अभी लंबे ही है अभी बहुत छोटे तो नहीं हुए ये साथ साथ इनके सिस्टर क्रोमेटिड्स थोड़ी सी प्रोफेस में पता चलनी शुरू हो गई कि दो थ्रेड्स लाइक है ठीक है जी अब यहाँ पे क्या है कि ये जो सेंट्रियोल्स है इससे कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं ये इस तरह से ये रेडिएट करने शुरू कर दे द माइक्रोट्यूबुलर फाइबर्स
they start radiating from the centrioles, and these are called as astral rays. So in animal cells, each centrosome radiates out microtubular fibers forming astral rays. Astral rays plus centrosome, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? Astral apparatus. इसको हम क्या देखते हैं? Astral apparatus. ठीक है जी? देखो, और इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिसइंटीग्रेशन. और यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी होते हैं, आपको पता है. दिस इज न्यूक्लियोलस. डिसइंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स एंड फाइनली एंड टोटली, यू कैन से totally disappear at end of mitosis. Golgi bodies and endoplasmic reticulum. ER जो है endoplasmic reticulum also disappears in Proteus. And from, ये क्या है? Centromere of chromosome. From centromere of chromosome, there originates, kya originate hote hai? Spindle fibers. ठीक है जी, मैं अभी दिखाती हूँ आपको कि spindle fibers कैसे होते हैं. वो ओरिजिनेट होने शुरू हो जाते हैं. ठीक, ये देखिए, हम जरा यहां हम फ्रॉम सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम रहने दो, ये हम बाद में पॉइंट लिखते हैं. हम यहां पे लिख सकते हैं कि इन या एट द एंड ऑफ Prophase, spindle fibers start formation. कैसे? अब यहां पे देखिए हम जरा. अगेन, अगर एस्टर है तो एनिमल सेल्स की हम बात कर रहे हैं.
this one. यहाँ पे ये disintegration शुरू हो गई. इधर क्रोमोसोम जो है क्रोमोसोम्स और छोटे हो गए. थोड़े से डिस्टिंक्ट नजर आने शुरू हो गए. यू कैन सी हियर डिस्टिंक्ट आने शुरू हो गए और यहाँ पे न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गई एंड स्पिंडल फाइबर्स बनने शुरू हो गए. इस तरह से दीज आर स्पिंडल फाइबर्स. ठीक है जी. These are astral rays. Spindle complete हो गया. इस तरह से क्रोमोसोम्स जो है अभी तो कहीं भी प्रेजेंट थे. ये देखिए जब हमें नजर आने शुरू हो गए ये भी कहीं भी सेल में कहीं पर भी प्रेजेंट है एंड दिस स्टेज इट इज इन बिटवीन ट्रांजिशन हम कहते हैं. प्रोफेज सेल मूविंग इन मेटाफेज स्टेज. This is ठीक है. So this is you know end of prophase. यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे end हो जाता है. ये मतलब prophase का end है और metaphase का शुरू. ठीक है. यहाँ आप यहाँ पे कह सकते हो initial metaphase, कुछ भी कह सकते हो या transition stage. ये right लिखो पहले बनाओ. So write down in as in plant cells, as in plant cells, centrosome and astral rays are absent. Centrosome and astral rays are absent. But still spindle is formed. And cell division occurs. This shows that centrosome and esters are not essential for cell division. Second stage आ जाती है बेटा.
metaphase. So इसका first point है, मतलब ऐसा cell ने तो prophase metaphase नहीं बनाया, हमने अपनी studies के लिए distinct कर, ठीक है? तो यहाँ पे लिखो first point, the complete disintegration of nuclear envelope. ये देखो यहाँ पे nuclear envelope अभी है, spindle fibers बनने शुरू हो गया, but यहाँ पे complete disintegration हो गई है. The complete disintegration of nuclear envelope marks the start of indicates the start of metaphase. Indicates the start of metaphase. Second point. In metaphase, the chromosomes are spread. पहले नहीं तो यहां पे थे, अब ये देखो ये पूरे cytoplasm में spread हो गए हैं. In metaphase, the chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell. To the cytoplasm of the cell. Third point, in metaphase, the chromosomes are most condensed. Condensed means maximum coiled hai. Most condensed, bracket mein likh lo, maximum coiled. Bracket close and are thus maximum distinct in metaphase. Maximum distinct in metaphase. Therefore, metaphase is the stage in which we can count and study the morphology. Morphology matlab external appearance, morphology of the chromosome. और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा बॉक्स बनाएंगे मॉर्फोलॉजी के लिए हम क्या देखेंगे, ये है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. मेटासेंट्रिक मीन्स सेंट्रोमियर इन द सेंटर. हमें कहाँ पे ये नजर आता है, मेटाफेज में नजर आता है, इससे पहले नहीं पता चलता, ठीक है? उसके बाद ये है, ये देखो एक आम थोड़ी सी बड़ी है, एक आम थोड़ी सी छोटी है, सब मेटासेंट्रिक. That is centromere, near the center. बीच में नहीं है, बीच के थोड़ा सा पास है. This is acrocentric. क्या मतलब है, सेंट्रोमियर नियर द एंड, एंड पे नहीं है, एक्रोसेंट्रिक है, नियर द एंड. और लास्ट आ जाता है एक ही आम है,
This is telocentric. Centromere at end. तो ये है मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम. ये हमें कहां पे दिखती है? ये हमें दिखती है मेटाफेज, राइट? ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो. अगर नहीं बनाया तो जगह छोड़ दो, फिर मैं आपको टाइम दे दूंगी. नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए. इन दिस स्टेज वी कैन ऑब्जर्व, in this stage we can observe that each metaphysic chromosome, that each metaphysic chromosome is made up of two sister chromatids. Ye dono two sister chromatids which are held together by the common centromere. Next point hai, small. Ye dekhiye, ये अगर एक क्रोमोसोम है ना, ये पॉइंट के साथ बना लेना. नेक्स्ट पॉइंट जब मैं लिखाऊंगी, दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स. ये एक दूसरे की कार्बन कॉपी है, बिल्कुल. ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के दोनों तरफ एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है. दिस इज कॉल्ड एज, मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूं, काइनेटोकोर. पहले लिख लो फिर बनाना, जगह छोड़ दो बनाने की, बट लिखना जरूर है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सर्फेस ऑफ सेंट्रोमियर, एट द सर्फेस ऑफ सेंट्रोमियर इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर विद विच द स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड. With which the spindle fibers are attached. Next point hai, due to मत लिखो, the attachment of, next point है, the attachment of spindle fibers with kinetochores causes movement of chromosome. Causes movement of chromosome in such a way that all of them gets arranged in the center of the spindle. इसका क्या मतलब है?
इन स्पिंडल्स ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुए कुछ एक्सपैंड हुए इस तरह से इन्होंने क्रोमोसोम्स को मूव कराया कि ये सारे क्रोमोसोम्स जो है वो सेंटर में सेंटर में अरेंज हो गए एक प्लेट में जिसको हम कह देते हैं मेटाफेसिक प्लेट. सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट करके इन द मेटाफेस ऑल द क्रोमोसोम्स comes to lie at the equator or center of the spindle. Thus forming metaphysic plate. इसको हम क्या कह रहे थे इस पूरी को मेटाफिजिक प्लेट. फुल स्टॉप करके द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स यही प्लेन है जहां पे क्रोमोसोम्स अलाइंड है. द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इन मेटाफेज is called as metaphysic plate. Next point आ जाइए. In metaphase, each chromosome has two chromatids. ठीक है आप इसको थोड़ा सा इस तरह से मेरा मतलब ये सेंट्रोमियर आप दिखा सकते हो. ठीक है और थोड़ा सा और डिस्टिंग करने के लिए यहाँ पे काइनेटोकोर के साथ अटैच हो इस तरह से भी ताकि आपके टीचर को आप बनाओ तो आपको इस तरह से आप डिफरेंट पेन से पेंसिल से आप देखो मतलब ये काइनेटोकोर है इसके साथ स्पिंडल अटैच है. इन मेटाफेज द क्रोमोसोम हैज टू सिस्टर क्रोमेटिड्स वन सिस्टर क्रोमेटिड इज अटैच्ड विद वन सिस्टर क्रोमेटिड is attached with the spindle fiber of one pole idhar se spindle fiber of one pole and the other chromatid is attached to the spindle fiber of the opposite pole and the other chromatid is attached with the spindle fiber of another pole through their kinetochores now ab kya hota hai beta स्पिंडल फाइबर पोल्स से अटैच्ड होते
अब ये अटैच्ड है और ये छोटे होने शुरू हो गए, तो नेक्स्ट स्टेज आ जाती है देखिए एनाफेज। लेट अस सी सिस्टर क्रोमेटिड्स है, यहां से ये फिक्स्ड है और इधर अटैच हो गए, यहां से भी फिक्स्ड है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करने शुरू हो गए फाइबर्स। अब ये इस क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींच रहा है और ये फाइबर अपनी तरफ खींच रहा है। अब क्या होता है रस्सा कसी में, क्या होता है कि कई बार रस्सी बीच में से टूट जाती है, वही हाल यहाँ पे हो रहा है कि ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन द सेंट्रोमियर जिससे ये दोनों अटैच है वो टूट गई, जिसके कारण क्या हुआ कि सेंट्रोमियर स्प्लिट्स इन द सेंटर एंड द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दिस इज एनाफेज। अब ये फर्दर छोटे होते जा रहे हैं जिसकी वजह से द क्रोमोसोम्स दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द ऑपोजिट फेस। सेंट्रोमियर पहले मूव करता है, आर्म धीरे धीरे ट्रेल बिहाइंड करती है, ड्यू टू विच द क्रोमोसोम्स हैव कर्व्ड अपीयरेंस, राइट। इस तरह से है तो एनाफेज में आपको क्या दिखेगा, मैंने प्रोसेस बता दी भी कैसे होती है। किसी तरह से भी सेंट्रोमियर बीच में से ब्रेक कर गए, इसलिए अब क्या हो गया This is early anaphase. The chromosomal fibers, ये जो fibers है, they keep on shortening. And at the end of the anaphase, the chromosomes, they reached their, you know, opposite poles. इस तरह से ये अपने अपने पोल्स पे पहुंच गए, दिस इज लेट एनाफेज। ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, अब लिख लू The splitting of metaphasic chromosomes at the centromere start indicates the start of anaphase. सेकेंड पॉइंट आ जाइए, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर
is due to shortening of the spindle, ya contraction of the is due to shortening or contraction of the spindle fibers. Is due to shortening or contraction of the spindle fibers. Third point hai. The sister chromatids get separated from each other and start moving towards the opposite pole. Next point here. The centromere moves first, and then the arms of the chromosome, due to which the chromosomes give bend appearance, mude hue lagte hain, bend appearance. Next point hai. At the end of the anaphase, the sister chromatids reached their opposite poles. ठीक है जी, बस एक लास्ट एक और लिखो, टीलोफेस के डायग्राम बना, डायग्राम के लिए जगह छोड़ दो. नेक्स्ट आ जाता है टीलोफेस. टीलोफेस इज द ऑपोजिट ऑफ प्रोफेस. टीलोफेस इज द ऑपोजिट ऑफ prophase, in which the decondensation of chromosome, decondensation brackets mein likhna, uncoiling of chromosome stuff. Chromosomes again gets elongated. And thus no more distinct. Second है, जो प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हुई थी वो दोबारा रीअपीयर हो जाती है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपीयर्स. Then third point is reappearance of
reappearance of Golgi complex and ER. Golgi complex and ER. Next point hai. Thus, in Tinopus, each cell has two nuclei. Each cell has two daughter nuclei. Each having same number of chromosomes. Each having same number of chromosomes as that of parent cell. As that of parent cell. Next one. In animal cells, the spindle disappears. The spindle disappears. Whereas in plant cells, some of the spindle fibers still persist. Called as phragmoplasts. Which helps in cytokinesis. ठीक है जी बेटा, पहले आप ये करो और फिर हम आगे करें। यहाँ पे इसी के साथ आपको पता है दिस इज प्लांट सेल। हमने प्लांट सेल ऐसे क्यों बनाया? क्योंकि इसमें रिजिड सेल वॉल है। दिस इज सेल वॉल, रिजिड होती है वो, फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है? और इसके अंदर इसी के साथ स्टिकी होती है ना? इन दोनों में कोई स्पेस नहीं होती, हमें तो थोड़ा डिस्टिंग करके दिखाना पड़ेगा। This is plasma membrane, red वाली जो है, सेंट्रियोल्स तो है नहीं, बट मैंने क्या बताया था, स्पिंडल, सम ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स दे परसिस्ट। एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्रैगमोप्लास्ट। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो साइटोकाइनेसिस की बात, ध्यान से। जो एनिमल सेल्स है ये बीच में परोराइज हो जाती है,
ये दो न्यूक्लियस है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेट्स टू फॉर्म द फरो. ये टूवर्ड सेंटर सेंट्रीपिटल ग्रोथ, फरो की जो है सेंट्रीपिटल मीन्स टूवर्ड सेंटर ग्रोथ है. आपने ये फिजिक्स में पढ़ा होगा. एंड अल्टीमेटली द टू फरोज दे ज्वाइन एंड फॉर्म टू डॉटर सेल्स. दीज आर डॉटर सेल्स. ये हुआ साइटोकाइनेसिस यहां पे इन एनिमल्स. पहले ये बनाओ फिर मैं लिखवा. सो राइट डाउन माइटोसिस. माइटोसिस इज नॉट ओनली द, यहां पे क्या हुआ क्रोमेटिड सेपरेट हो गई है, ये नहीं. माइटोसिस इज नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ, सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन, segregation of duplicated chromosomes bracket में लिख लो sister chromatids. sister chromatids bracket close into daughter nuclei, into टू डॉटर न्यूक्लियर. हमने क्या कहा माइटोसिस इज नॉट द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स इन टू डॉटर न्यूक्लियर, बट इट इज कंप्लीटेड, इट इज कंप्लीटेड व्हेन the cytoplasm of the cell, when the cytoplasm of the cell also gets divided and finally forms two daughter cells. Two daughter cells. Next point are there. Division of cytoplasm and formation of two daughter cells is called as cytokinesis, Next point hai, cytokinesis in animal cells, cytokinesis in plant cells is different. Cytokinesis in plant cells is different from that of animal cells, because plant cells are covered by, rigid cell wall. Next point here.
cytokinesis by furrowing in animal cells. Cytokinesis in animal cells occurs by furrowing. Full stop. Isi point mein likh lena. In animal cells, the plasma membrane invaginates in the center of the cell from both sides, dono sides, from both sides. Full stop. The furrow gets stabilized. Furrow ho gaya, ye nahi fir piche ko chali jayegi, kyunki waise to plasma membrane flexible hai, but is furrow ko kaun pakad ke rakhta hai? Microfilaments. The furrow gets stabilized with the help of microfilaments. Full stop. Furrows of both sides deepens means center ki taraf move kar rahe, deepens and joins in the center, thus forming two daughter cells. Next, cytokinesis in plant cells by cell plate method. तो इसमें लिखिए small Golgian vesicles gets arranged in the center of the sphincter. These Golgian vesicles fuse to form the cell plate. which represents the middle lamella of cell wall, which represents the middle lamella of cell wall. The cell plate starts growing. Thank you, ma'am.
द सेल प्लेट, बस बेटा खत्म हो रहा है, रुक जाओ. द सेल प्लेट starts moving towards the periphery. Spindle disappears. And finally, two plant cells get separated from each other. Finally, the two plant cells get separated from each other. Our bus last point hai. During cytokinesis, various organelles also gets distributed between the daughter cells, also get distributed equally between daughter cells. And one more last, ye star dal ke point likh lena. The cells in which karyokinesis occurs, but no cytokinesis. Karyokinesis to ho gaya, but cytoplasm ki division nahi. Phir karyokinesis ho gaya. But cytoplasm division, nahi. Okay? In some cases, yeah, in the cells where karyokinesis occurs, but no cytokinesis, it results in formation of multinucleated cell or syncytia. Multinucleated cell or syncytia. ठीक है जी. So this is all about here mitosis. जो diagram बनाने हैं वो बना लो. This is for today. Next class is on Wednesday, on Thursday.